जानकी माता कौन सा दिन कौन सा कपड़ा लगाया करता था वो सीन देखा मैं आप लोग पिक्चर में क्या है तो सब मैं बताऊंगा आप सबका। तो गाइज ये जो देख सकते हैं आप और वेल तो इसमें श्री जानकी जी प्रकट हुए हैं हलेश्वरी महायज्ञ पश्चात। तो ये सब है माता रानी का माता जानकी का प्राचीन मुकुट सब है। ये जो पिक्चर देख रहे गाइज यहाँ पर सीता हरण समाधि हुआ है जो आप सबने रामायण देखा है जो कि तुलसीदास द्वारा रामायण लिखा गया है। हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो हाउ आर यू एवरीवन आई होप डूइंग वेल एवरीवन। तो गाइज अभी बज रहे सुबह का 10 तो सुबह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया हूँ बिकॉज मैं कॉलेज पढ़ने के लिए गया था तो मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो गाइज अभी बज रहे 10 और मैं छत पर आ चुका हूँ। तो गाइज आज मेरा कॉलेज में बहुत समय के बाद छुट्टी दिया हुआ है तो गाइज आज मैं जनकपुर धाम जानकी मंदिर की वो संग्रहालय दिखाने वाले और भाट भटेने भी दिखाने वाले हूँ और मैं अपने घर जाने वाले हूँ। तो गाइज बने रहे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट लेवल का क्रेजी होने वाले हैं। तो गाइज चलते हैं फिलहाल अभी खाना खाने के लिए। तो खाना बनकर रेडी है बिकॉज मेरा रूम पार्टनर ने बना कर रखा हुआ था तो चलते हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद मैं रूम से निकलूंगा। तो चलो चलते हैं क्या सीन होते हैं। खाना में है दाल चावल और आलू का पकौड़ा। तो फाइनली मस्त खान पीन हो चुका है गाइज और खाना पीना होते ही मैं फ्रेश वगैरह होकर पूरा रेडी होकर मैं निकल चुका हूँ घर के तरफ। तो गाइज मैं दिखाऊंगा आप सभी का सबसे पहले अभी जानकी मंदिर का संग्रहालय। तो चलो बने रहे ब्लॉग के साथ, तो चलते आगे क्या सीन होते हैं। तो अभी गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग रखा है तो देखिए हे रहा है कुछ सीन यहाँ का कि भैया हम पहुँचने वाले हैं जानकी मंदिर। फाइनली भैया हम पहुँच चुके हैं जानकी मंदिर। तो जानकी मंदिर के अभी पास में हूँ तो देख सकते हैं मेरे पीछे जानकी मंदिर। तो चलते अब भीतरी संग्रहालय देखने के लिए, वहाँ का मैं सिनेमेटिक सीन दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं क्या सीन होते हैं। तो अभी गाइज अभी मैं भरकर जानकी मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ। तेरा है जानकी मंदिर का सीन तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का लग रहा है गाइज। तो यही है माता जानकी का मंदिर, तो चलते हैं भीतरी। तो गाइज अभी ढोका बंद है माता रानी की, यहाँ पर वो जो चांदी का ढोका है। तो गाइज यहाँ पर माता रानी का प्रसाद का रूप में मैं टीका ग्रहण कर लिए। तो अभी चलते हैं संग्रहालय, तो संग्रहालय का क्या सीन होते वो मैं दिखाऊंगा आप सभी का। फाइनली गाइज टिकट ले लिए संग्रहालय के, तो चलते अब भीतरी का क्या सीन रहते हैं वो मैं आप लोगों का दिखाएंगे। चलते गाइज सीढ़ी चढ़ कर जाना पड़ता है ऊपर। फाइनली गाइज मैं ऊपर आ चुका हूँ संग्रहालय में, तो यहाँ का सीन बताऊंगा आप सभी का, पूर्ण पिक्चर में क्या है तो सब मैं बताऊंगा आप सबका। तो गाइज ये जो देख सकते हैं आप और वेल तो इसमें श्री जानकी जी प्रकट हुए हैं हलेश्वरी महायज्ञ पश्चात। तो गाइज और ये जो सीन देख सकते हैं बधैया हो रहा है, यहाँ पर ढोल उल बजा रहे हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं महाराजा श्री जनक जी द्वारा श्री जानकी माता जी का कांख में खिला रहे, तो पूरा पिक्चर से क्लियर है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। और इसमें जो सुनैना माता द्वारा श्री जानकी जी का शयन हुआ है वो सीन है। तो गाइज पूरा देख ही सकते हैं, पूरा अच्छा है। तो चलते आगे आगे का क्या सीन होते गए। और गाइज मैं आप सभी का पुष्प वाटिका का सीन दिखा रहा हूँ जो कि आप सब रामायण में बहुत देखा होगा। तो गाइज ये रहा है पुष्प वाटिका का सीन, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का लग रहा है गाइज। तो अब आगे चलते हैं, आगे का क्या सीन होते हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर है अब सीन धनुष महायज्ञ की, तो देखिए गाइज ये रहा है धनुष महायज्ञ की। तो देख सकते हैं सब भगवान यहाँ पर समावेश हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, पूरा पिक्चर से पूरा क्लियर है यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर श्री सीता राम विवाह हो रहा है, तो माता सीता और भगवान श्री राम अभी फेरा ले रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का लग रहा है गाइज, तो पूरा पिक्चर से ही क्लियर लग रहा है गाइज। तो यहाँ पर भगवान उगवान है, काफ़ी ज़्यादा महादेव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, सब समावेश हुआ है यहाँ पर। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर सीन है। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मन में शांति मिल रहा है
और गाइस चलते आगे, आगे का क्या सीन होते तो सब मैं बताऊंगा आप सभी का। एक बात और गाइस, जो आप सबने रामायण देखा है तो गाइस यही है तुलसीदास, जो कि तुलसीदास द्वारा रामायण लिखा गया है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा है ये सब देखकर। तो यही है गाइस तुलसीदास। तो अब चलते हैं नीचे, नीचे संग्रहालय में माता सीता कौन सा दिन में कौन कपड़ा लगाया कर देते वो हर सीन दिखाऊंगा आप सभी का। कौन दिन कौन रंग का कपड़ा और कौन गहना पहनना कर देते वो हर सीन दिखाऊंगा गाइस। तो चलो चलते हैं कैसे सीन होते नीचे का। तो ये है नीचे जाने का रास्ता, ये है एंट्री प्रवेश। तो यहाँ से तीर यहाँ दिखा रहे थे, यहाँ पर जाना पड़ेगा गाइस और यहाँ से नीचे है। फाइनली गाइस मैं प्रवेश कर चुका हूँ यहाँ पर म्यूजियम में। तो मैं यहाँ का सीन देखकर आप सभी का वर्णन करूँगा कौन सा पिक्चर में कौन सा चीज़ रखा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर है माता जानकी जी का प्राचीन मुकुट सब। तो ये सब है माता रानी का, माता जानकी का प्राचीन मुकुट सब है, यही सब है। और यहाँ पर भगवान भगवान है। तो गाइस ये भी है जानकी जी का चंद्रिका। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के लग रहा है। तो गाइस ये सब पूरा सोना का था, तो अभी सोना का नहीं है, बस दिखाने के लिए ये रखा हुआ है, नकली है। तो गाइस ये भी है मुकुट जानकी माता जी का। और यहाँ पर जो देख सकते हैं भाई मिथिला का तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का सीन है गाइस। यहाँ पर सीता हरण समाधि हुआ है, तो पूरा पिक्चर से देख सकते हैं पूरा क्लियर है। और ये है माता सीता कौन सा दिन कौन सा कपड़ा लगा रहा था, तो यही है गाइस। तो बुधवार का दिन ग्रीन कपड़ा लगाया करते थे और ये जो है मंगलवार का दिन लगाता था और ये गाइस सोमवार को लगाता था और ये रविवार का लगाया करता था और ये शनिचर का। ये भी है माता सीता की गर गहना सब, जो कि अभी पूरा नकली रखा हुआ है, असली पूरा चोरी हो चुका है। तो गाइस चलते आगे क्या सीन है। और ये जो देख सकते एक कपड़ा जो कि शुक्रवार लगाता था माता सीता और गाइस यही है यहाँ का सीन सब। तो चलते अब फाइनली गाइस यहाँ संग्रहालय घूम फिर हो चुका है, चलते अब बाहर। तो यही है एक जिस्ट पॉइंट। फाइनली गाइस घूम फिर कर आ चुका है म्यूजियम में से, आप सभी का संग्रहालय का सीन दिखाया हूँ, जानकी माता कौन सा दिन कौन सा कपड़ा लगाया करता था वो सीन दिखाया मैं आप लोग। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल भाट भटेनी की तरफ, तो मैं वहाँ का वही सीन दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं अभी। गाइस मैं अभी मरवा के पास में, तो ये रहा है मरवा। तो गाइस अभी मैं घर पर जा रहा हूँ, तो थोड़ा लेट भी हो सकता है अभी, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो गाइस आप सभी का ये मरवा का सीन दूसरा ब्लॉग में दिखाऊँगा, तो ये ब्लॉग ज़रूर देखना। तो गाइस चलते फिलहाल भाट भटेनी की तरफ। जानकी मंदिर घूम फिर करने के बाद, संग्रहालय घूम फिर करने के बाद मैं दूसरा रिक्शा ले चुका हूँ उधर भाट भटेनी जाने के लिए। देखिए तो भी गाइस अब पहुँचने वाला है भाट भटेनी, दे रहा है आगे शहीद गेट, तो नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं यहाँ भाट भटेनी पर, तो चलते हैं भीतरी का क्या सीन होते हैं यहाँ भाट भटेनी में। रियली चेक दिस आउट गाइस, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का सीन लग रहा है। तो चलो भीतरी दिखाते हैं। गाइस पूरा मार्केट छान मरा हूँ, बट मैं एक भी सामान नहीं खरीद किया हूँ, बिकॉज मैं अभी घूम फिर करने के लिए माते आया हूँ। मन पड़ेगा कुछ सामान तो मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ, यहाँ पर सामान वगैरह भी खरीद करने के लिए आया हूँ, तो मन पड़ेगा तो ले लेंगे। और यहाँ देखो गाइस यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति रखा हुआ है, तो यहाँ पर फोटो खींचना मना है, बट फिर भी मैं खींच रहा हूँ। Yeah.
गाइस यहाँ पर मुझे ये केक मन पड़ा है। तो भी गाइस मस्त घूम फिर हो चुका है भाट भटे नहीं, तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का सीन था, तो मज़ा आ गया। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा सामान वगैरह है, तो मेरा औकात से बाहर है, तो मैं कुछ नहीं खरीद किया, बस खाने पीने का सामान एक दो केक खाया और उसके बाद मैं अब निकल पड़े घर के तरफ। तो चलो गाइस दिखाती हूँ आप। तो भी गाइस फाइनली मैं पहुँच चुके अपने घर, तो गाइस अब मैं खाना साना खाऊंगा और वीडियो एडिटिंग करूंगा, तो फिलहाल मैं अभी समोसा खा रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबका ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।